आप सबसे हाथ जोड़ कर क्षमा चाहते हैं। पीछे देख सकते क्लिनिक है, बहुत ही बुरा लग रहा है ऐसे वीडियो बनाते हुए। इनकी फैमिली में से कोई है? दो बच्चे को चोरी करके ले जा रहे थे तो वो लोग पकड़े। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम ठीक है और आशा करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ट्रैवल में से आए हैं तो उसके बाद से मतलब तबीयत सुहाना का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी ना सुहाना को 101 डिग्री बुखार है, सुहाना पापा को भी बुखार है, कम है लेकिन उनको भी मतलब थकान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे देखो बाबू, अभी उठे थे अभी सुबह सुबह सब लोग और फिर से देखिए उठ नहीं पा रहे हैं। सुहाना का तो मतलब कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब है, दवा लेना पड़ेगा। उठोगे बेटा? हेलो यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग अच्छे नहीं है दोस्तों, क्योंकि मतलब मेरा भी तबीयत खराब लग रहा है, सुहाना का तो मतलब कुछ ज्यादा ही है, 101 डिग्री बुखार है और इनका भी बुखार है ना। दवा लाने जाएंगे हम लोग अभी, पहले कुछ नाश्ता बना लेते हैं, रोटी सोटी कुछ खा लेंगे फिर दवा लाने जाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। सुहाना बोले सुबह सुबह उठ के मेरा ये सर और ये पीछे का ये जो है दुख रहा है। तुम बोले क्यों दुख रहा है? ऐसे देखिए रात को भी सुहाना का बॉडी बहुत गर्म था। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए हम मतलब आज वीडियो भी मतलब कल भी वीडियो नहीं शूट कर पाए थे ना बाबू। कल से मतलब जब से आए ना हम लोग ट्रैवल से, तब से ही मतलब तबीयत सबका खराब है तो अच्छे से वीडियो भी शूट नहीं कर पाए, इसकी वजह से कल भी वीडियो शूट नहीं कर पाए। और सोचे कि फिर आज ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया तो फिर आज वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी, तो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आप लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम लोग का तबीयत ठीक नहीं है, इसके वजह से हमारे प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहे हैं ना बेटा। ठीक है, आप सो जाओ पापा के पास यहाँ पे, मैं अभी नाश्ता बनाने जा रही हूँ, फिर चलेंगे दवा लाने। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी इन लोगों को अभी नाश्ता बना के दिए खाने को। नाश्ता में रोटी दाल और आलू के चोखा, क्योंकि सब्जी नहीं था घर में। शाम को जाएंगे दवा लेने के लिए, अभी बहुत धूप है बाहर में। सुहाना के और सुहाना पापा को दोनों को दवा लेने जाएंगे तो वो उधर से सब्जी लेके आएंगे। खाने में अच्छा नहीं लग रहा सुहाना आपको? दोनों को नहीं, चलो अभी किसी तरह खा लो, अभी शाम को चलेंगे दवा लेने। ठीक है बेटा, आप भी थोड़ा नहा लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और सुबह में इनको थोड़ा कम बुखार था, मतलब 99 था और अभी 100 से ज़्यादा हो गया है। सुहाना को भी सुबह में 101 था, अभी 102 हो गया है। यहाँ पे दीदी लोग बोले कि अभी मतलब बुखार आया ही है रात को, तो दिन भर देख लो, शाम के वक्त मतलब दवा लेना, हो सकता है थकान की वजह से हो तो शायद ठीक हो जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, बढ़ रहा है बुखार, इनका भी बुखार बढ़ रहा है और सुहाना का भी बढ़ रहा है, लेकिन मुझे बुखार नहीं है तो ऐसे भी मैं मतलब थकान वकान बोलूंगी कि मुझे भी दर्द कर रहा है, मतलब जो है बॉडी में जो हड्डी वगैरह है सारे दर्द कर रहा है, तो मैं भी कुछ दवा ले लूंगी और सुहाना पापा के लिए भी अभी चलते हैं हम दवा लाने। ठीक है, चले। मुझसे नहीं होगा आप सब। कैसे मैं लेके जाऊंगी सुहाना को बताइए? फैमिली, आप सबसे हाथ जोड़ कर क्षमा चाहते हैं कि तबीयत खराब होने की वजह से हम वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं, प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहे, खड़े होकर चल भी नहीं पा रहे, इतने कमजोरी हो गई है और पूरे हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों। जैसे हम ठीक हो जाएंगे हम फिर से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। ऑटो बुला लेते हैं, चलिए, क्योंकि सुहाना को भी मतलब गोदी में लेके जाना पड़ेगा। मेरा खुद बहुत मतलब एकदम जो है दर्द, हड्डियों में दर्द कर रहा है, तो सुहाना को लेके मैं नहीं चल सकूंगी। तो ऑटो बुला लेते, तीनों लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग आए थे, पीछे देख सकते क्लिनिक है, वहाँ पर आए थे चेकअप करवाने के लिए और दवाई वगैरह लेने के लिए, तो सारा चीज़ हम कर लिए हैं। और जिस फ्लैट में हम रहते हैं वहीं पे एक सर जी हैं जिनके बाइक लेके हम आए हैं, तो सब चीज़ हो गया है, अब वापस घर चलते हैं। चलो बेटा सुहाना। तो हम लोग वापस आ चुके हैं दोस्तों क्लिनिक से, और ये रहा हमारी दवा और कुछ हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर है जो कि दवा के नाम लिखकर भी भेजे थे, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और देखिए सुहाना को 103 बुखार है, मेरे को 101 रहता है और दवा लाए हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है ऐसे वीडियो बनाते हुए, लेकिन आप लोग समझिएगा क्या करें ना बाबू। दोस्तों जैसे हम लोग का तबीयत ठीक हो जाएगा तो हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाएंगे। सुहाना का तो मतलब कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है, एकदम सुहाना बोल भी नहीं पा रही है। सुहाना बेटो, हाय बोलो बेटा। हाय।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक हमारी बेटी कल आपको बोले थे सुहाना के पापा कि कुछ गुड न्यूज है जो कि हम बताएंगे आप लोगों को, तो उतना अच्छा तबीयत ही नहीं है कि अच्छे से बताते, लेकिन फिर भी कल बोले थे तो आप लोग वेट कर रहे होंगे कि क्या गुड न्यूज है। तो हम आपको बता रहे हैं क्या है गुड न्यूज। यहाँ पे देखिए, ये है गुड न्यूज, निकालेंगे थोड़ा आप प्लीज। और ये बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज है दोस्तों, देखिए किसका है मेरा। आपका है? कौन बोला? कोई भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, दिखाई ना इसको खोल के, आप इसको देखिए दोस्तों, बताइए कि कैसा है। हाँ, कमेंट है इसका। सबसे पहले पर्स, पर्स रहा क्या है ये? पर्स। और सुहाना कुछ बोलेगी, सुहाना कुछ बोलेगी। ये देखिए, ये काफी सुंदर है। सुहाना पे जचता भी बहुत है, हमने पहना के ट्राई करके देखे थे। और सुहाना पता है क्या बोल रही थी, ये देखते ही सुहाना क्या बोल रही थी मुझे, मम्मी मैं बहुत दिनों से आपको बोल रही थी कि मुझे ऐसे टाइप के ये खरीद दो। यहाँ पे एक बच्ची है छोटी सी, 10-11 साल की, तो उसको उसके मम्मी खरीद दी थी ऐसे पर्स वाले फ्रॉक। तो ये मुझे बहुत दिनों से बोल रही थी सच में, तो मतलब ध्यान नहीं दे रही थी। जब ये आया सुहाना के पास तो सुहाना बहुत खुश हो गई। और यहाँ पे देखिए, ये मुझे के लिए है, ये मेरे लिए डेसी लुक, और ये भी काफी अच्छा है। बात अगर भी मुझे मुझे अलाउड करती तो मैं उनका नाम जरूर बताता कि ये किसने दी है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इनकी फैमिली में से कोई है, मतलब बहुत करीब लोग हैं दोस्तों जो मुझे ये दिए हैं, लेकिन नाम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि भैया जी देख रहे हैं। और जो भी हमारे फैमिली से रिलेटेड लोग रहते हैं उनसे, मतलब वो जब हमसे मिलते हैं बातें करते हैं तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं क्या, हम आपके वीडियो दिखा सकते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं, उनके इजाज़त अगर हो तो ही हम डालते हैं ना बाबू, क्योंकि सबको पता है कि भैया ऐसे बोल के रखे हैं कि जो उनसे ताल्लुकात रखेंगे वो हमसे नहीं, तो इस तरह से बोले हैं। तो ज़्यादातर मतलब कोई, अब वो मतलब जैसे कि देखिए, मेरे मामा के लड़के और बहू मिली थी तो वो बोली थी कि हाँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप डाल देना, तो हम बोल दिए थे आप लोगों से कि मामा के लड़का यानी कि मेरे भैया और भाभी मिली थी। और वहाँ पे फिर भैया के अगर दोस्त मिले तो वो भी बोले कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो आए थे, ये जो कपड़े दिए हैं मेरे लिए और सुहाना के लिए, बहुत खूबसूरत है, और मैं बहुत खुश होती दोस्तों अगर आप लोगों के साथ शेयर करती तो, क्योंकि आप लोग भी बहुत खुश होते ये जान के कि किसने दिया है और मतलब सब कुछ। क्योंकि मेरे मायके से अगर कोई आता है मुझसे मिलता है तो आप लोगों को बहुत खुशी होती है, मुझसे भी ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग कमेंट इतने अच्छे अच्छे करते हो कि क्या बताएं। तो दोस्तों वेरी सॉरी, नहीं बता सकते क्योंकि वो नहीं बोले हैं कि बताने के लिए ना, और हमने भी उनको रिटर्न गिफ्ट दिए हैं तो वो तो हम नहीं दिखा सके, वो भी नहीं दिखा सके, लेकिन काफी अच्छे रिटर्न गिफ्ट दिए हैं उनको। तो कोई ना, ये था वही गुड न्यूज। गुड न्यूज इसलिए क्योंकि इतने शादी के 5 साल बाद 6 साल बाद कोई आता है, बहुत क्लोज लोग मिले हमसे। हाय हाय, क्लोज लोग मतलब, खोल दो, कौन है क्लोज लोग? नहीं मतलब नहीं बता सकते दोस्तों, अगर बता सकते तो हम बता देते, फ्यूचर में जाके अगर बता सकेंगे, अगर वो लोग आते रहेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे, सारे कुछ जो भी हमारे लाइफ में होती है आप लोगों से हम शेयर करते हैं। और इनका भी तबीयत ख़राब है, सुहाना का भी ज़्यादा, मतलब सुहाना सबसे ज़्यादा सुहाना का है, उसके बाद इनका। और मेरा तो बुखार नहीं है, बस मतलब ट्रैवल की वजह से बॉडी एक था तो मैं टैबलेट ले ली हूँ, और मैं भी टैबलेट खा ली हूँ, वरना आज हम लोग अगर अच्छे होते ना तो जो चूल्हा के पीछे में ये वाल है उस वाल को अभी हम वो करते ना, हाँ मिट्टी और गोबर से उसको वो लेपते। आप लोग में से ही किसी ने कमेंट किया था, आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, गाइड करते हो तो बहुत बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है ना बाबू। और घर बनाने की बात रही तो अभी देखिए तबीयत पहले ठीक होने देते हैं, उसके बाद सोचते हैं। और पीतल पस चल रहा है अभी तो नहीं बनाएंगे, मतलब पीतल पस कमेंट आया था कि पीतल पस चल रहा है, जोर से बोलिए ना, कमेंट आ रहा था कि पीतल पस चल रहा है अभी घर मत बनवाओ, तो सच में पीतल पक्ष में घर नहीं बनवाना होता है। अच्छा, तो कितने दिन हो खत्म? 20 तारीख तक है अभी, कितने 15 ना, मतलब 5-6 दिनों के बाद हम सोचते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों दशहरा आ जाएगा, नवरात्रि शुरू, क्या होता है नवरात्रि शुरू हो जाए तो देखते हैं, अगर पॉसिबल हो तो हम शुरू कर देंगे काम, नहीं तो नवरात्रि के बाद देखेंगे ना।
और दोस्तों एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, कमेंट में भी काफ़ी ये कमेंट आ रही है कि सुहाना को मतलब ख्याल रखिए क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा चोरी होने लगा है। तो ये बात सच है दोस्तों, हमारे एरिया में भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे चोरी होने लगे हैं ना बाबू। 2 दिन पहले की बात है, 2 बच्चे को चोरी करके ले जा रहे थे तो वो लोग पकड़े गए, तो बहुत मारपीट हुई है, बाकी पुलिस को हवाले कर दिए। और न्यूज़ भी काफ़ी देख रहे हैं, एक न्यूज़ में तो मैं देखी थी कि 11 महीने के बच्चे को ले गए, मतलब अपने दादाजी के साथ बच्चे बाहर में थे, घर के बाहर में जो होते हैं खटिया उस पे, और 2 मिनट के लिए दादाजी अंदर गए, उतने में ही वो 11 महीने के बच्चे को ले गए। और उसकी माँ उसके परिवार में जो क्या हाल होता है दोस्तों, जिनके बच्चे के साथ कुछ होता है, खरोच भी आ जाए बच्चे को तो क्या होता है, माँ बाप के साथ वो माँ बाप ही जानते हैं। और अगर ऐसे में मतलब चोरी हो जाए तो क्या होता है आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए आप सब भी अपना अपना बच्चे को ध्यान रखें। इस वीडियो के मार्फत हम यही कहना चाहते हैं कि बाद में जब गलती हो जाए, हमारी बच्चे चोरी हो जाए, उसके बाद पछताने से अच्छा है कि काश मैं बच्चे को देख रेख की होती, काश मैं बच्चे के साथ होता, तो ऐसा काश नहीं ये होता, गलती नहीं की होती, ये काश करने से अच्छा है कि सावधान हो जाए। हम लोग भी मतलब सुहाना को स्कूल अब खुद से जाते हैं पहुँचाने के लिए और खुद से लेके आते हैं। हाँ, 2 मिनट पहले छुट्टी से पहले ही चले जाते हैं और अपने से लेके आते हैं क्योंकि हम काश नहीं करना चाहते। हाँ, क्या हो गया मतलब 10 मिनट अगर हमको जाने में लगता है, 10 मिनट आने में लगता है, अगर कुछ हो जाए तो फिर हम कितने पछताएंगे, क्या क्या मतलब दिमाग में चलती रहती है। हमारा स्कूल तो यहाँ 2-3 मिनट के दूरी। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। तो आज तो सुहाना गई नहीं थी क्योंकि तबीयत खराब है रात से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप लोगों को पता है हम आप लोगों का क्यों ने वीडियो भी नहीं किए हैं जो कि लव स्टोरी पे आप लोग क्यों ने किए हैं, लव स्टोरी का 8 पार्ट भी शेयर नहीं किए हैं, और बहुत सारे चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगने वाला है, मजा आने वाला है, तो वो लोग हम जल्द से जल्द करेंगे। आप लोग दुआ कीजिए हमारे लिए कि हम पहले ठीक हो जाए, फिर आप लोगों के लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोग अपना प्यार साथ सपोर्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।